मोटरसाइकिल चलानी है तो हेलमेट पहनना पड़ेगा। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मॉल रोड पर चार रोज में 8,284 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के चलान। बगैर हेलमेट पुलिस एहलकारों को भी जुर्माने करने की हिदायत। 1 अक्टूबर से जेल रोड पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के दाखिले पर पाबंदी। शहरियों के चालान पे चालान, पुलिस वालों को फ्री हैंड। ई चालान का खौफ ना हेलमेट की पाबंदी। बगैर हेलमेट के पुलिस एहलकार सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाने लगे। लोकल हेलमेट 500, चाइना का 1150 रुपए का। जिले इंतजामिया के जीपीओ चौक, चेरिंग क्रॉस और हॉल रोड पर हेलमेट फरोख करने के स्टॉल्स। शहरी सस्ते हेलमेट खरीदने में मसरूफ। नई मोटरसाइकिल के साथ हेलमेट भी दिया जाए। कंपनीज को मोटरसाइकिल के साथ हेलमेट देने का पाबंद बनाने की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। मुनीब सुल्तान चीमा ने करारदाद जमा कराई। मॉल रोड और हॉल रोड के बाद अब जेल रोड क्लीन अप मिशन। अदालती हुक्म पर जेल रोड की सर्विस लेन पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। शोरूम्स के सामने से गाड़ियों को लिफ्टर के जरिए उठाया जाने लगा। 1 अक्टूबर से सुबह भर में तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत इजलास। सियासी दबाव को कातिल में ना लाया जाए। तजावजात के खिलाफ तमाम इदारों को मिलकर काम करने की हिदायत। सूबाई वजीर का कहना है कि आइंदा 2 हफ्ते हर जिले की इंतजामिया का इम्तिहान है। 100 रोजा प्लान में 15 शोबों पर काम कर रहे हैं। लग्जरी टैक्स और टोकन टैक्स ना दहिंदगान की शामत। महकमा एक्साइज का 1 अक्टूबर से टोकन टैक्स की अदम अदायगी पर 200% जुर्माने करने का फैसला। गाड़ियों की मैनुअल किताब खत्म, अब स्मार्ट कार्ड चलेगा। महकमा एक्साइज ने स्मार्ट कार्ड की कीमत 530 रुपए मुकर्रर कर दी। पानी, बिजली और गैस तो गुलशन अहबाब कच्ची आबादी के रहायशियों का फिरोजपुर रोड पर एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने कलमा चौक पर मेट्रो बस सर्विस बंद किए रखी। म्यानी साहब कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जे से मुतालिक केस। जस्टिस अली अकबर कुरैशी का बागीची शाह में मौजूद घरों की 2 अक्टूबर तक निशानदेही करने का हुक्म। अदालत ने मिसमार हाथों की जगह पर मैयतों की तदफीन की इजाजत दे दी। अमीर कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जे का केस। कब्रिस्तान की अराजी पर स्कूल 3 घर गैर कानूनी तौर पर तामीर हैं। तहसीलदार ने रिपोर्ट जमा करवा दी। अदालत ने 2 अक्टूबर को इंतजामिया को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। विफाकी और सूबाई वज़रा खबरदार, कारकर्दगी की खुफिया चेकिंग होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का जांच पड़ताल के लिए कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी कारकर्दगी की महाना रिपोर्ट बराह रास्त वज़ीर आज़म को देगी। खराब कारकर्दगी पर वज़रा के महकमे तब्दील या वजारत से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज की मुलाकात। कौमी और सूबाई मामलात पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब का कहना है कि आफात ने दलेरी और बहादुरी से दहशतगर्दों को शिकस्त दी। आवाम गैर मुल्की जारहियत का मुकाबला करने के लिए फौज के शाना बशाना खड़ी है। बेघर अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी। हुकूमत का बेघर अफराद से अक्टूबर के वस्त में दरखास्तें तलब करने का फैसला। अपना घर के नाम से अथॉरिटी कायम की जाएगी। सगिया पुल के करीब 3 मंजिला इमारत के तहखाने में प्लास्टिक के गोदाम में आते सदकी। लाखों रुपए का नुकसान। रेस्क्यू की 12 गाड़ियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। रेस्क्यू हुक्का। पंजाब में टीबी के मरीजों का एड्स टेस्ट कराने का फैसला। टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के तहत तमाम अजला में किट्स भिजवा दी गई। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेर सदारत टीबी कंट्रोल प्रोग्राम।
दास्तान है मॉडल टाउन इस्तगासा के साबिक आई जी पंजाब मुश्ताक सुखेरा हासिल हूँ। इंसदादी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने समन जारी कर दिए, कल पेश होने का हुक्म। आने वाले दिनों में तब्दीली नजर आना शुरू हो जाएगी। अवाम की सहूलत के लिए सरकारी दफातर के दरवाजे खोल दिए गए हैं। पंजाब को रोल मॉडल बनाएंगे, वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार से मुख्तलिफ वफूद की मुलाकात। नए पाकिस्तान में नया घर बनाना बहुत मुश्किल, सीमेंट की बोरी 20 रुपए मजीद महंगी, सीमेंट बैग की कीमत 580 रुपए से बढ़कर 600 रुपए मुकर्रर। NH 124 से PTI के उम्मीदवार गुलाम मोहियुद्दीन दीवान की शाद बागामत स्कूल की सालाना तकरीब में शिरकत, बच्चों में नवा तकसीम टैबलो पेश किए। पोल्ट्री की सनत को फरोग देने की काबिशें, एक्सपो सेंटर में पोल्ट्री एक्सपो का दूसरा रोज, 200 से जायद मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए, कारोबारी अफराद की गहरी दिलचस्पी।